हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल। में तो आप सबका स्वागत है। तो आज देखेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रथम विश्व युद्ध के क्या रीज़न रहे थे, क्या कारण रहे थे युद्ध होने का। अब हम देखेंगे युद्ध होने के बाद का परिणाम क्या रहा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उसके भयंकर एवं दुर्गामी परिणाम सामने आया। युद्ध होने के बाद तो आपको सबको पता है कि बहुत सारा विनाश होता है, बहुत सारी क्षति पहुंचती है, आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, चाहे आपका जान माल की हानि हो। तो अब देखते हैं क्या क्या इसके परिणाम रहे, पॉइंट्स वाइज डिटेल में देखेंगे। पहला, साम्राज्य विघटन। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक परिणाम यह हुआ कि इसने जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की के साम्राज्यों को छिन्न भिन्न कर दिया। अब सबसे पहला क्या कारण परिणाम उसका रहा, साम्राज्य का विघटन कर दिया। किसका किसका? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ये तीनों देश मिलकर लड़ रहे थे मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, और इन लोग तीनों राष्ट्रों को बहुत ही घाटा सहना पड़ा। इन तीनों साम्राज्यों के भंग होने से यूरोप में अनेक नए देशों का उदय हुआ। ये थे यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया आदि। अब क्या हुआ, ये तीनों राज्यों का विनाश हुआ तो कुछ नए साम्राज्य भी आगे आए, बने। तो वो कौन कौन राज्य थे? यूगोस्लाविया, हंगरी और रोमानिया। दूसरा पॉइंट है, मित्र राष्ट्रों को लाभ। अब मित्र राष्ट्रों को क्या लाभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध में? इन तीनों साम्राज्यों के विघटन से मित्र राष्ट्रों अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस आदि को काफ़ी लाभ हुआ। अब ये इंग्लैंड और फ्रांस को इस युद्ध से काफ़ी लाभ हुआ। मित्र राष्ट्र विजयी थे, अतः इन्हें पराजित राज्यों से साम्राज्यों को हड़पा। क्या हुआ, जो राष्ट्र जीता अब दूसरे राष्ट्रों को खूब लूटा पाटा। अब जो जैसा मन किया, जो राज्य जो उसके अंदर के राज्य थे उनको अपने पे मिला लिया गया, तो इस टाइप से उन्हें बहुत ही फायदा हुआ। इराक एवं फिलिस्तीन पर इंग्लैंड, अब इराक और फिलिस्तीन पर किसका कब्जा हुआ? इंग्लैंड का हो गया। और सीरिया एवं लेबनान पर फ्रांस का। अब सीरिया और लेबनान पर किसने कब्जा किया? फ्रांस ने किया। मेडनेट प्रणाली के आवरण में अपना दखल जमाया, और फ्रांस ने किस में दखल जमाया? मेंडलेट प्रणाली में। अब इसका तीसरा कारण परिणाम क्या रहा, रूसी क्रांति। अब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसी बीच में रूस में भी कुछ क्रांति हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस में बोल्शेविक क्रांति, वो क्रांति का क्या नाम था, बोल्शेविक क्रांति हुई, और वहाँ साम्यवादी सरकार बनी जिसमें साम्राज्यवाद की निंदा की और रूसी साम्राज्य को विघटित कर दिया। अब वहाँ पर कहाँ कैसी सरकार बन गई, साम्यवादी सरकार बन गई, और उसने किस चीज़ का विरोध किया, तो साम्राज्यवाद का विरोध किया। अब चौथा परिणाम क्या था देखते हैं, अमेरिका का महत्व बढ़ गया। अब इसमें कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, अमेरिका का बहुत इसमें प्रभाव बढ़ गया था। अब कैसे प्रभाव बढ़ा देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय राज्यों को भारी मात्रा में कर्ज संयुक्त राज्य अमेरिका से लेना पड़ा। युद्ध हुआ तो उस टाइम सभी देश पूरा युद्ध में संलग्न हो गए, तो उन लोगों के पास आर्थिक संकट आई, तो किसके पास गए, तो अमेरिका के पास गए, तो अमेरिका से उन्होंने बहुत सारे पैसे उधार भी लिए। इस युद्ध के बाद सर्वप्रथम यूरोप के बाहर के व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रूडो विल्सन का प्रभाव बढ़ा, और पेरिस शांति सम्मेलन में विजयी राष्ट्रों फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी इत्यादि का महत्व घटा, और इसकी जगह पर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का प्रभाव बढ़ गया। अब इसमें किसका प्रभाव बढ़ा, तो अमेरिका और रूस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था प्रथम विश्व के बाद, तो उसमें भी विल्सन का प्रभाव बहुत था, और फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी का थोड़ा सा प्रभाव घट गया था। इसका पांचवा परिणाम क्या रहा देखते हैं, मनुष्यों का विनाश। प्रथम विश्व युद्ध में के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 40 लाख मनुष्य मारे गए। 60 लाख व्यक्ति बुरी तरह घायल होकर सदा के लिए अपंग और पराशिक हो गया। क्या हुआ इसमें, तो युद्ध हुआ है तो बहुत सारे जान माल का मैंने बताया कि नुकसान होगा, तो कितने 40 लाख व्यक्ति मर गए, और 60 लाख से ज़्यादा व्यक्ति का किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, तो वो लोग जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। 1,03,00,000 व्यक्ति सामान्य रूप से घायल हुए। अब 1,03,00,000 व्यक्ति क्या हुए, सामान्य रूप से घायल हुए थे, और नरसंहार की ऐसी रोमांचकारी घटना विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी, और इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी, इतनी मौत एक साथ कभी नहीं हुई थी। छठा परिणाम क्या हुआ,
धन का विनाश। अब युद्ध हुआ है तो धन तो उसमें लगेगा ही, तो उसका भी देखते हैं क्या विनाश हुआ। इस भीषण महायुद्ध में 32 राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से और 4 राष्ट्र ने जर्मनी की ओर से भाग लिया। अब मित्र राष्ट्रों की तरफ कितने देश थे, तो 32 राष्ट्र थे, और अधूरी राष्ट्र की तरफ कितने थे, तो 4 राष्ट्र थे। संसार के केवल 14 राष्ट्र इस युद्ध में तटस्थ रहे, मतलब संसार के जितने देश थे उसमें 14 राष्ट्र ऐसे ऐसे हुए जो इस युद्ध में भाग नहीं लिए। विश्व के महान अर्थशास्त्रियों के हिसाब से इस महायुद्ध में 58,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब कितने एस्टिमेट खर्चा हुआ अर्थशास्त्रियों ने बताया, तो 58,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस महायुद्ध का औसत दैनिक खर्च 40 करोड़ रुपए था। अब प्रत्येक दिन कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे इस युद्ध में, तो 40 करोड़ रुपए। अब सोच लीजिए आप कि ये युद्ध 4 सालों तक चला था और अंतिम वर्षों में यह खर्च 84 करोड़ रुपीज तक पहुंच गया था। अब और उसके बाद कितना वो बढ़कर हो गया, तो 84 करोड़ पर डे। धन के इस महान विनाश के कारण वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई, श्रमिकों की मजदूरी की दर ऊंची हो गई। अब क्या हो गया इसमें, अब धन का इसमें बहुत विनाश हुआ, तो वस्तुओं का भी दाम बढ़ गया। किसी देश के पास पैसा ही नहीं है तो वस्तुओं का तो दाम बढ़ेगा ही, श्रमिकों का ही मजदूरी भी बढ़ गया। अब श्रमिक काम करेंगे तो वो भी तो अपनी मजदूरी खोजेंगे, तो उसमें भी हो गया। सातवां पॉइंट, अब इसमें परिणाम, सातवां परिणाम आर्थिक असंतुलन। आर्थिक असंतुलन, पैसे का विनाश हुआ है तो आर्थिक आर्थिक स्थिति तो कोई भी देश का डगमगाएगा ही। महायुद्ध के बाद आर्थिक संतुलन पैदा हुआ, कई यूरोपीय देशों में तो पुरुषों की कमी हो गई, पोलैंड की खाने ध्वस्त हो गई, फसलें मारी गई और रेल मार्ग छिन्न भिन्न कर दिए गए। अब क्या हुआ कि किसी भी देश के लिए उसके व्यापार, उसका रेल मार्ग या फिर उसकी कृषि के जो भी भूमि होते हैं उसी से वो आर्थिक अपना आर्थिक संकट को दूर करता है। बट युद्ध में क्या हुआ कि जितने भी आर्थिक उसके जहाँ से पैसे आते थे वो सारे चीज़ नष्ट हो गए। इसमें कहीं कहीं तो पुरुषों की भी कमी हो गई किसी देश में। फ्रांस का भी यही हाल हुआ। युद्ध काल में हर देश की उत्पादन शक्ति असामान्य कामों में लगा दी गई, फलता विश्व के आर्थिक संगठन को भारी धक्का लगा। अब इसमें तो पूरे देश इसके चपेट में आ गए थे, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो चाहे वो दूरी राष्ट्र हो, तो सभी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसका एक आखिरी पॉइंट, आठवां, सामाजिक परिणाम। इस महायुद्ध के बाद राजनीति में सर्वहारा वर्ग का महत्व काफी बढ़ गया, क्योंकि युद्ध के समय मजदूरों ने महत्व रोल अदा किया था। अब क्या हुआ इसमें, सर्वहारा वर्ग मतलब कि जो वर्ग का ज्यादा इसमें भाग है, मतलब उसकी ज्यादा संख्या है, उनका महत्व बढ़ गया। से मजदूरों का इसमें महत्व बढ़ गया, क्योंकि मजदूरों ने बहुत ही काम किया था प्रथम विश्व युद्ध में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बने। अब इसमें क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर इंटरनेशनल लेबर संगठन भी बना। स्त्रियों ने भी अपने अधिकारों के लिए विद्रोह किया। अब समाज में जो परिवर्तन आया उसमें स्त्रियों ने भी अपने हक के लिए विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और काले गोरों का भी भेद कम हुआ। और उस टाइम बहुत ही वाइट पीपुल, ब्लैक पीपुल ऐसे करके वो लोग भेदभाव करते थे, युद्ध के बाद वो भी कम हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रथम विश्व युद्ध का कारण परिणाम दोनों समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप तो इस चीज़ को शेयर करें अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए अपनी तरफ से, ताकि मैं और आपके लिए इसी तरह का वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।